दोस्तों टारगेट हिस्ट्री आईक्यू के 29 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको इंटरनेट पर ये वाली फोटो बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं आइंस्टाइन की जीभ बाहर निकाले हुए ये वाली फोटो आपको दिख रही होगी। साथ ही साथ में ये जो आपको फोटो दिख रही है, इसको एक सोने के सिक्के में ढाला गया है। खास बात यह है कि ये जो सिक्का आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे छोटा सिक्का में से इसकी काउंटिंग होती है। इसको लेकर बना है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा उसको समझते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में किस देश ने आइंस्टीन का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है। तो आइंस्टीन का सबसे छोटा सोने का सिक्का जो बनाया है वो बनाया है स्विट्जरलैंड ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि स्विट्जरलैंड ने हाल ही में आइंस्टाइन का सबसे छोटा सोने का सिक्का डेवलप कर दिया है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, ये रहा आइंस्टीन का, जिसमें कि जीभ बाहर निकाले हुए वाला फोटो इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये जो सिक्का है ये दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का है जिस पर आइंस्टाइन की फोटो बनी हुई है। साथ ही साथ में इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे। ये जो सिक्का है इसका डायमेंसन क्या है? इसका डायमेंसन है कि 2.96 मिलीमीटर इसका डायमेंसन है। इंच में बात करी जाए तो 0.12 इंच का ये वो पूरा सिक्का है। इस स्विस टकसाल में ऐसे 999 सिक्के हैं जिनकी ढलाई करी गई है। आपको पता होगा आइंस्टाइन एक फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं और उनको सन 1901 में स्विस नागरिकता प्रदान करी गई थी। साथ ही साथ में इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो भौतिकी के लिए 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चूँकि दोस्तों यहाँ पर सिक्के को लेकर बात हुई है, इससे मुझे एक चीज़ याद आया है कि क्वाइन या फिर सिक्के को लेकर या फिर नोट को लेकर जीके के कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपके मन में सवाल आता होगा कि भारत में ये जो नोट है, जो नोट होते हैं, जो करेंसी नोट होता है हमारा, वो कहाँ पर प्रिंट होते हैं, कहाँ पर छपते हैं। तो आपको बता दूँ कि भारत में जितना भी आप नोट देखते हो, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 500 रुपये का, 200 रुपये का, 100 रुपये का, इनमें प्रयोग किए जाने वाला जो कागज़ होता है वो 80% से ज़्यादा कागज़ बाहरी देशों से लाया जाता है। जैसे कि अमेरिका से वो कागज़ आता है, फ्रांस से, जर्मनी से, इन देशों से आता है। साथ ही साथ में भारत में भी कई जगह बनाया जाता है, जैसे कि होशंगाबाद में बनाया जाता है, लेकिन 80% कागज़ बाहर से ही लिया जाता है। और इसके ऊपर जो जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है इस नोट के ऊपर प्रिंट करने के लिए, वो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है सिक्पा, उसके द्वारा इस स्याही को सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ में नोट भारत में कौन कौन सी जगह पर छपते हैं इसको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में नोट जो है ये 4 जगह छापे जाते हैं। कौन कौन सी जगह? सबसे पहले तो नासिक में, दूसरा है सालबोनी, तीसरा है मैसूर और चौथा है देवास, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इन 4 जगह पर नोट छापे जाते हैं। साथ ही साथ में भारत में सिक्के कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो भारत में जो सिक्के डेवलपमेंट का काम होता है वो RBI के पास नहीं होता है, वो भारत सरकार के हाथ में होता है। तो भारत में सिक्के जो हैं ये भी 4 जगह ढाले जाते हैं। कौन कौन सी जगह? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 जगह पर सिक्के जो हैं वो बनाए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल की शुरुआत करी है? तो आपको यहाँ पर बता दूँ, गति नाम से, GATI। देश के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं उनमें क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, मटेरियल के शॉर्टेज होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिससे कि हाईवे निर्माण को एक गति प्रदान की जा सके। वहाँ पर पूरे देश के अंदर हाईवे जो डेवलप किए जा रहे हैं उनके डेटा को वहाँ पर रखा जाएगा, सो दैट इसका डे टू डे लाइफ में इसको ट्रेस भी किया जा सके कि लाइव कितना हाईवे डेवलप हो रहा है, इसको वहाँ पर देखा जा सके, इसको डेली बेसिस पर अपडेट भी किया जाएगा। तो ये जो गति नाम से है इस पोर्टल को शुरुआत करी गई है। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखो लिखा है कि गति नाम का एक वेब पोर्टल है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रोग्रेस को देखा जाएगा। यहाँ पर आपको नितिन गडकरी का फोटो दिख रहा है जिन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया है, और इस तरफ आपको हाईवे बनता हुआ दिख रहा होगा, जिसका मतलब है कि हाईवे के डेवलपमेंट को लेकर ये चीज़ की जा रही है। अब यहाँ पर देखो इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि इस पूरे वेब पोर्टल की शुरुआत करी है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन है? इस समय केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। साथ ही साथ में
अगला प्रश्न बनता है, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बता दूं दोस्तों, आज के वीडियो में टारगेट करते हैं 4000 लाइक्स का, तो देखते हैं आप मेरी मदद करते हैं या नहीं करते हैं। जल्दी से 4000 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2019 में हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2019 का जो हरित रत्न पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर एन कुमार को। ठीक है, तो इसको फिर से देख लेंगे, डॉक्टर एन कुमार को हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब के? सन 2019 के। तो इसका भी फोटो एक लोग हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखो डॉक्टर साहब का फोटो भी आपको दिख रहा होगा, जिनको हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और नीचे लिखा भी है हरित रत्न पुरस्कार डॉक्टर एन कुमार। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर लिखी हुई भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें एक ऑप्शन यूज़ किया है डॉक्टर एन राम कौन है? हाल ही में मैंने इनका नाम आपको बताया था, एन राम द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनको हाल ही में केरला का मीडिया सम्मान उनको प्रदान किया गया था। तो ठीक है, एन राम आपने तब पढ़ा था, हरित रत्न पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर एन कुमार को। ठीक है, अब यहाँ पर ये जानेंगे डॉक्टर एन कुमार कौन है। तो डॉक्टर एन कुमार तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। साथ ही साथ में ये पुरस्कार अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। दोस्तों पिछले 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि हाल ही में किसे अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा तरनजीत सिंह संधू। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका कि फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहे तरनजीत सिंह संधू का फोटो, जिनको अमेरिका में भारत की तरफ से नया राजदूत बनाया गया है। यहाँ पर तरनजीत सिंह का फोटो देख सकते हैं, मुस्कुराते हुए आपको दिख रहे होंगे, साथ ही साथ में अमेरिका का झंडा, और आगे आपको व्हाइट हाउस यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसका मतलब है ये फोटो मैंने खुद से देखो बनाई है। मैं फोटोज़ खुद से बना रहा हूँ आजकल, सो दैट आप अच्छे तरीके से और समझ पाएँ, चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएँ। एक एक फ़ोटो डेवलप कर रहा हूँ जिसमें दिखा है देखो अमेरिका में भारत का नया राजदूत। और जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ोगे तो आपको खुद एहसास होगा कितना मज़ा आता है इस तरीके से पढ़ने में। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखेंगे, अमेरिका में भारत का नया जो राजदूत है वो बनाया गया है तरनजीत सिंह संधू को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन योजना की शुरुआत कर दी है। तो ये शिव भोजन नाम की योजना है, इसको शुरुआत करी है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है शिव भोजन योजना। ठीक है, इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, इस तरफ आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फोटो दिख रहा है, साथ ही साथ में वहीं की लैंग्वेज में लिखा है ये भोजन की थाली इस्तेमाल करी गई है। अब यहाँ पर आपको एक बार और दिखा देते हैं इस योजना में करना क्या होगा। देखो ये वाला फोटो मैंने खुद से बनाया है, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। इसमें क्या होगा कि शिव भोजन योजना में आपको व्यक्ति को 10 रुपये में भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा, 10 रुपये में थाली, एक थाली भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सस्ते रेट में खाना प्राप्त करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में इसको शुरू किया गया। शिव से मतलब होता है शिवसेना, जो होती है, जो कि इस समय सत्ता में चल रही है, उसी के शिवसेना का शिव शब्द इस्तेमाल कर लिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ में बता दूं इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर करी है, और इस योजना में जितने भी गरीब लोग हैं उनको मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। चूँकि बात यहाँ पर महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव बाल ठाकरे, और वहाँ के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, वहाँ की कैपिटल है मुंबई, और उप मुख्यमंत्री का नाम है अजीत पवार। अगला क्वेश्चन दोस्तों बना है कि हाल ही में IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO कौन बनाए गए हैं। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO बनाए गए हैं सुनील मेहता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुनील मेहता को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया CEO बनाया गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि ये फोटो भी मैंने बनाया है, जिसमें लिखा है
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, और यहाँ पर सुनील मेहता का फोटो दिख रहा है जिनको आईबीए का सीईओ बनाया गया है। यहाँ पर लिखा भी है सुनील मेहता और इस तरफ लिखा है सीईओ, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन में लिखा है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा कौन है? आपको कल ही बताया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस समय के। और साथ ही साथ में आपको एक नाम लिखा है लिंगम वेंकट प्रभाकर, ऑप्शन सी में जो नाम लिखा है लिंगम वेंकट प्रभाकर, ये कौन है? हाल ही में मैंने आपको बताया था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देना। इसके बाद में देखो यहाँ पर जानेंगे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में कि ये जो भारतीय बैंक संघ है इसकी इस गठन स्थापना करी गई थी 26 सितंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में देश की पहली सुपर फैब लैब की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो देश की पहली सुपर फैब लैब जो है इसकी शुरुआत की गई है केरला में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि ये पूरे देश की पहली सुपर फैब लैब है इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो देश की पहली सुपर फैब लैब की शुरुआत केरला राज्य में करी गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं सुपर फैब लैब स्टार्टेड इन केरला, यहाँ पर केरला के मुख्यमंत्री का फोटो दिख रहा है जिनका नाम है पी पिनरई विजयन, ठीक है। तो ये जो सुपर फैब लैब है इसमें करना क्या होगा, आखिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा और क्यों ये भारत की पहली ऐसी लैब है? देखो इसमें क्या है, जितना भी बता देता हूँ, फैब्रिकेशन का वर्क होता है इस प्रयोगशाला में। ये प्रयोगशाला पूरी तरीके से डिजिटल है, इसमें जितना भी फैब्रिकेशन का काम होता है सब डिजिटली किया जाता है। यहाँ पर इस लैब में लगभग सब कुछ बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर एक 3D प्रिंटर भी अवेलेबल है जिसकी सहायता से किसी भी चीज़ की 3D प्रिंटिंग तैयार करी जा सकती है, किसी भी चीज़ का डिजिटली मॉडल तैयार किया जा सकता है। केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम और वहाँ के सीएम का नाम आपको मैं बता चुका हूँ। हाल ही में किस देश ने 50 पेंस का ब्रिक्स स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये देखो एक सिक्का जारी किया गया है जिसका वैल्यू है 50 पेंस, इसको ब्रिक्स स्मारक सिक्का जो जारी किया है ये किया है ब्रिटेन ने, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको वो सिक्का दिखाना चाहूँगा जिसमें देखो लिखा है 50 पेंस, 50 पेंस, और ये सिक्का जो है ये ब्रिटेन देश ने लॉन्च किया है। यहाँ पर किस वजह से, देखो सिक्के पर लिखा है बेट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिखा है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ये जो ब्रेग्जिट स्मारक है, ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एग्जिट से मतलब बाहर निकलना, BR से मतलब हो गया ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन किसी चीज़ से बाहर निकल रहा होगा उसी को उन्होंने ब्रेग्जिट नाम दे दिया। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन जो है ये यूरोप में स्थित है और यूरोप में कई सारे देशों ने मिलकर एक यूनियन बनाया था जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन, और ब्रिटेन जो है उस यूनियन से बाहर निकलना चाहता था, जिसके अवसर पर, जिसके निकलने के कुछ दिन पहले ही उसने इस सिक्के को जारी कर दिया है, ठीक है। आपको बता दूँ 31 जनवरी को ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा, और इस सिक्के पर कुछ लिखा भी है, वो क्या लिखा है? पीस प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑल नेशन, ऐसा उस सिक्के पर लिखा हुआ है। इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन और वहाँ की कैपिटल का नाम है लंदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो आपने जमीन के अंदर मेट्रो सुना होगा, जमीन के ऊपर मेट्रो सुना होगा। जो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है यानी कि पानी के अंदर से मेट्रो ट्रेन जो जाएगी वो जाएगी कोलकाता में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलकाता इज द राइट आंसर। कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा जिसमें कि आप देख सकते हो लिखा है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका काम अभी शुरू कर दिया गया है और हो सकता है जल्दी ही ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो मेट्रो ट्रेन है इसको हुगली नदी के नीचे बनाया जा रहा है। ऐसा मानते हैं कि हुगली नदी को अगर नाव से आप क्रॉस करेंगे तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मेट्रो बन जाने के बाद में ये जो पूरा रास्ता है हुगली नदी को क्रॉस करने में मात्र 1 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। इस परियोजना को जापान की एक कंपनी बना रही है। यहाँ से एक छिपा हुआ क्वेश्चन हमको ये भी पता चला, अगर आपसे कोई पूछे कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है तो आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस वजह से मैंने क्या किया कि जितने भी शहर या फिर कोई राज्य किसी नदी के किनारे स्थित हैं तो वो भी उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है।
जैसे कि आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित, अहमदाबाद साबरमती के, इलाहाबाद गंगा, अयोध्या शहर सरयू नदी के, बद्रीनाथ गंगा, कोलकाता जो है हुगली नदी के, कटक महानदी, नई दिल्ली जमुना, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, हरिद्वार गंगा, हैदराबाद मूसी, जबलपुर नर्मदा, कानपुर गंगा, कोटा चंबल, श्रीनगर झेलम, सूरत ताप्ती, ये सभी नदियां हैं। अब आप समझ सकते होगे कि डेली बेसिस पर ये जो पीडीएफ तैयार किया जा रहा है, इसको बनाने में कितना टाइम, कितना समय, कितनी मेहनत, कितने लोग लगते होंगे। हर चीज़ को ढूंढ ढूंढ कर इस पीडीएफ में रखा गया है। इस वजह से टारगेट स्टडी आईक्यू के करंट अफेयर्स से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, डेडली श्योर, ये चीज़ मानकर चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में इनोवेशन फेस्टिवल, नवाचार महोत्सव जिसको बोलते हैं, शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में नवाचार महोत्सव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे यहाँ पर नवाचार यानी कि इनोवेशन को लेकर यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, जिसमें कि वो जो भी नया करते हैं उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखो नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं सभी का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत हुई है? गति नाम से पोर्टल की शुरुआत हुई है। हरित रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर एन कुमार को प्रदान किया गया है। अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन बनाया गया है? तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन योजना शुरू करी है? महाराष्ट्र ने। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सीईओ बनाए गए हैं सुनील मेहता। हाल ही में देश की पहली सुपर फैब लैब कहाँ पर शुरू हुई है? केरला में शुरू हुई है। 50 पेंस का ब्रेक्जिट स्मारक सिक्का कहाँ पर जारी किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो कोलकाता में इसको डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में भारत के किस राज्य में इनोवेशन फेस्टिवल नवाचार महोत्सव शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टाइन का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है ये किसने? स्विट्जरलैंड में इसको डेवलप किया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, हाल ही में देश में सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने वाला राज्य कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।